दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल योर इंट्राडे कोच में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने लगातार ट्रेडिंग की है, आप देख सकते हैं लगातार मैंने इसमें प्रॉफिट भी किया हुआ है। आप देखें, ये 2 वीक पहले का है, ये 1 वीक पहले का है, मतलब लगातार मैंने प्रॉफिट किया है। आप डेट के हिसाब से इसको देख सकते हैं। ये 13,175 रुपये प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद 8,205 रुपये प्रॉफिट हुआ, उसके बाद 11,480 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो ये मंडे का था पिछले हफ्ते, ये ट्यूसडे का प्रॉफिट था, ये वेडनेसडे का प्रॉफिट था। और उसके बाद मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था कि मैं थर्सडे और फ्राइडे, जिन्होंने मेरे दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन किया है, उनके अकाउंट से मैं ट्रेडिंग करूँगा। और मैंने उनके अकाउंट से ट्रेडिंग की। और दोस्तों, एक सज्जन का 10% और दूसरे सज्जन का 12% अकाउंट ग्रोथ कर गया। तो दोस्तों, अगर आपको सही तरीका पता है, आप रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड रेशियो और साइकोलॉजी आप जानते हो, तो दोस्तों आप किसी भी मार्केट में पैसा बना सकते हो। दोस्तों, इसके पहले आप देखिए, मैंने क्रूड के लिए आपको बताया था, क्रूड में मैंने प्रॉफिट किया है, जिंक में मैंने प्रॉफिट किया है। ये देखिए, क्रूड ऑयल का प्रॉफिट है 19,805 रुपये। इसके अलावा यहाँ पे भी क्रूड ऑयल का प्रॉफिट है। इसके अलावा कॉपर में प्रॉफिट है, यहाँ पर क्रूड ऑयल में प्रॉफिट है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जिंक में प्रॉफिट है, यहाँ पर भी 24,143 रुपये का प्रॉफिट है। तो दोस्तों, अगर आपको सही तरीका पता है, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, ऑसम ऑसिलेटर बहुत अच्छा ऑसिलेटर है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो आप किसी भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। और चूंकि प्राइस एक्शन चार्ट से ट्रेड किया जाता है, अगर आपको चार्ट रीड करना आता है तो वो चार्ट किसी भी चीज़ का हो, कॉपर का हो, क्रूड का हो, इक्विटी का हो, फ्यूचर का हो, करेंसी का हो, या वर्ल्ड का कोई भी चार्ट है, आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों, इसीलिए मैं हर वीडियो में बार बार आपसे बोलता हूँ कि ऑसिलेटर का भी यूज़ करके आप ट्रेड कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, आपके लिए सोने पे सुहागा का काम करेगा अगर आप प्राइस एक्शन जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा प्राइस एक्शन वाला बैच 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। मैंने आज से उसमें रजिस्ट्रेशन ओपन किए हैं। टेलीग्राम चैनल पे जो लोग ना जुड़े हों, हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से पूरा अपडेट ले सकते हैं। तो 8 अप्रैल से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है। जो लोग प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं वो हमको कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और लिमिटेड सीटें हैं, और जैसी सीटें फुल होंगी मेरा बैच क्लोज हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। तो चलिए आज बात करते हैं कि मैंने क्या ट्रेड लिया। दोस्तों, जो मैंने ट्रेड लिया है वो आपको आज का ट्रेड दिखाता हूँ। ये हमारा ट्रेड है, ये देखिए आप, डे हिस्ट्री, एक्सिस बैंक 5,340 रुपये, BPCL 5,220 रुपये, टोटल प्रॉफिट आज का 10,560 रुपये। केवल दो ही मैंने ट्रेड लिए हैं और 10,560 रुपये। अब बात करते हैं कि BPCL में 5,220 रुपये का प्रॉफिट हुआ, आपको पूरा डिटेल देते हैं। ये देखिए, ये है हमारा सीट कि कब मैंने कितने बजे लिया था। ये देखिए, 10:11:42 पे मैंने BPL सेल किया था। और आप जानते हैं, आज मार्केट 10:11 के आसपास काफ़ी बुलिश था, उस बुलिश मार्केट में भी मैंने सेल करके पैसा कमाया। तो आपको अगर टेक्निक पता है तो मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो, कितना भी पॉजिटिव निगेटिव हो, आप पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए, 10:11 पर मैंने 396.10 रुपये पे एक लॉट 1800 का सेल किया, और 10:31:06 पर ये हमने 1800 क्वांटिटी 393.20 रुपये पे बुक कर ली। तो आप देख सकते हैं, 11 से 31 मतलब 20 मिनट के अंदर ये 5000 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो गया। तो कैसे किया, 10:11 और 10:31 पर, उसको हम BPCL के चार्ट पर चलते हैं। ये देखिए, BPCL का चार्ट है। मैं देखिए कोई इंडिकेटर नहीं लगाता हूँ,
केवल एक औसम इंडिकेटर है, जिसके अलावा मेरा प्राइस एक्शन टेक्निक है उसका यूज़ करता हूँ। तो आज तारीख है 1 अप्रैल, ये देखिए 9:35, आज मैं मार्केट में ही लेट आया था, 10 बजे आया था, उसके बाद मैंने ट्रेड देखा, नहीं तो ये और पहले शॉर्ट किया जा सकता था। तो 10:11 पे देखते हैं कौन सी कैंडल है, ये 10:15, ये 10:10, ये देखिए 10:11, और आप नीचे देखिए 10:11 के नीचे औसम ऑसिलेटर जीरो लाइन के नीचे चला गया, जबकि औसम ऑसिलेटर जीरो लाइन के पहले यहीं चला गया था। मतलब अगर मैं मार्केट में पहले आया होता तो शायद 10:05 पे ही मैं इसको सेल कर देता और मेरा प्रॉफिट बड़ा हो सकता था। खैर कोई बात नहीं, जो भी मिला वो अपना, बाकी सपना आप जानते हैं। तो ये 10:00 ये वाली कैंडल पर मैंने इसको शॉर्ट किया, और इस कैंडल पर ये चौथी पांचवी इस कैंडल पर आप देखें 393 का लो बना है, और मैंने 393.20 पे मैंने एग्जिट कर लिया। और आप ये देखिए खासियत, इसके एग्जिट करने के बाद फिर मार्केट इससे सीधा ऊपर चला गया और इस रेट पर कहीं पे भी लौट कर नहीं आया। तो ये पता चलता है प्राइस एक्शन से कि कहाँ इसने बॉटम बना लिया है। तो मैंने यहीं पर इसको एग्जिट कर दिया, तो इस तरह से मुझको ये प्रॉफिट हुआ। दिखा देता हूँ आपको दोबारा 5,220, फिर से दिखाता हूँ आपको कि देखिए 396.10 पे मैंने 10:11 पर सेल किया था, और 393.20 पे 10:31 पे मैंने बाई कर लिया। तो मैंने शॉर्ट करके ये पैसा कमाया। उसके बाद मैंने पेट्रोनेट लगाया, लेकिन वो हमको कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि मैंने जिस रेट पे मैं लेना चाहता था उस रेट से मार्केट नीचे चला गया। देखिए यहाँ पर भी मैं सेल करना चाहता था लेकिन उस रेट से नीचे चला गया। तो दोस्तों मेरी आदत है कि मैं मार्केट से बोलता हूँ कि अगर आपको मेरा सौदा लेना है तो मेरे रेट पर आके दीजिए, मैं मार्केट के रेट पे सौदा लेने नहीं जाऊँगा। तो आप भी ये अपना सकते हैं ट्रिक कि आपका जब तक प्राइस नहीं आएगा आप सेल नहीं करेंगे या आप बाई नहीं करेंगे। मेरा प्राइस था 252, जब मैंने ऑर्डर लगाने गया तो 251.60 हो गया था। मुझे मंजूर नहीं था कि मैं 40 पैसे नीचे जाके सेल करूं, तो मैंने इसको सेल नहीं किया। जबकि ये देखिए आप पेट्रोनेट 249 पे जाके बंद हुआ है। अगर हम 251.60 पे भी सेल करते तो भी हमको इसमें प्रॉफिट मिल सकता था। उसके बाद फिर मैंने एक्सिस बैंक 10:55 पे 1200 क्वांटिटी 779.65 पर मैंने सेल की। तो 10:55 पे मैंने इसको सेल किया, वो भी आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। 10:55 पर ये 1 अप्रैल है, 9:45, ये 10:40, 45, 50, 55 मैंने इस पर इसको सेल किया था, ठीक है। 10:55 पर मैंने इसको सेल किया एक्सिस बैंक को। एक बार फिर से देख लीजिए आप, यहाँ पर एक्सिस बैंक 10:55:12 पर 779.65 पे मैंने कंप्लीट किया था, और 15:10 पर मैंने 775.2 पर इसको बुक कर लिया, जबकि एक्सिस बैंक ने 767 का लो मारा है। मतलब अगर हम 10 मिनट और रुक जाते तो मुझको 7 या 8 रुपया और मिल सकता था। लेकिन मैंने जैसा कहा कि ज़्यादा लालच नहीं करना है, आपका टारगेट अचीव हो जाए आपको मार्केट से बाहर निकल जाना है। मेरा टारगेट रहता है, मेरे पास फंड है 50,000, 60,000 है इस समय, तो मैं चाहता हूं कि मैं 50,000, 60,000 में 10,000 निकाल लूं। मुझको 10% चाहिए, मेरा 10% होता है मैं मार्केट से निकल जाता हूं। अच्छा, इसमें लेट क्यों हुआ? मुझको लेट इसलिए हुआ कि मैं 11 बजे के बाद मुझको कुछ अर्जेंट काम आ गया ऑफिस में, और मुझे उस सिलसिले में कंप्यूटर छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया था, वो भी आपको दिखा दूं कहां। देखिए 10:55 कहां हो रहा है, यहां पर इस कैंडल पर मैंने इसको शॉर्ट किया था, और इसके पहले का ये जो स्विंग हाई है यहां पर मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया था। तो यहां पर मैंने सेल किया, ये स्टॉप लॉस डाल दिया, और अगर मैं 3 बजे नहीं आता लौट के, तो चूंकि ये ऑर्डर CO पे थे, आप देख ले सकते हैं दोनों ऑर्डर CO पर थे, इंट्राडे हैं, कवर ऑर्डर हैं, दोनों CO पर थे। अगर मैं 3 बजे नहीं आता तो ऑटोमेटिक मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता, क्योंकि मैंने यहाँ कहीं पे 3:10 पे 15:15:10 इस कैंडल पर निकाला है, और इस कैंडल के बाद लगातार मार्केट नीचे गया है, तो मेरा टारगेट अचीव हो गया था, इसलिए मैंने इसको निकाल दिया। तो दोस्तों अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है या प्राइस एक्शन आप सीखना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। मेरा 8 अप्रैल से नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है,
और कभी भी मार्केट में चूंकि आपका पैसा इन्वॉल्व रहता है, इसलिए पैसे के साथ कभी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आप प्रॉपर जानते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो आप सीख कर ही मार्केट में पैसा लगाइए, क्योंकि पैसा बहुत हार्ड मनी होता है। और अगर आपके इस पैसे का आपने सदुपयोग किया तो ये पैसा कई गुना बढ़ जाता है, और लेकिन अगर आपने सही ढंग से नहीं किया तो डेफिनेटली आप लूज़ कर जाएंगे और आपको लॉस होगा। तो दोस्तों, ये मेरा आज का प्रॉफिट था जो मैंने शेयर किया, और आगे भी मैं अपने सब्सक्राइबर या जिन लोगों ने मेरे दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन किया है, मैं उनके अकाउंट से ट्रेड करूँगा अगर वो चाहेंगे तो। इसी के साथ वीडियो क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।